नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। बिहार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिला है। दरअसल बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर बवाल काटा, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोल एक बार फिर बिगड़ गए। एक बार फिर वे विधानसभा सत्र में महिला के खिलाफ विवादित बोल कह गए हैं। नीतीश विधानसभा में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर भड़क गए। विपक्षी महागठबंधन के विधायक आरक्षण के मुद्दे पर वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आक्रोशित हो गए। गुस्से में आकर महिला पर विवादित बयान दे दिया। पहले सुनिए सीएम नीतीश ने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये बोलते रहते हैं, आइए सब भूल जाते हैं कि हमने इसको कितना ज्यादा किस तरह से आप लोगों को भी कह के करवाया था। ये मेरी इच्छा थी और सब लोग एग्री किए थे। सुनिए, चुप रहिए। अगर बैठ करके सुनते तब पता चलता कि सचमुच आप कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं। लेकिन अरे बैठ जाइए आराम से। आप सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप जानते हैं कि ये काम हम लोगों ने करवाया और जब आप लोगों के साथ थे, ये लोग, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को, अरे अरे, अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद ना महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। राजनीति में पक्ष विपक्ष की टकराहट चलती रहती है, लेकिन महिला, जिनके उत्थान का दावा तमाम नेता राजनेता करते हैं, उसी पर इस प्रकार का विवादित बात कह देना किस हद तक सही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद से प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जुड़ गए हैं और जेडीयू से प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जुड़ गई है। चर्चा की शुरुआत राजद से ही करेंगे क्योंकि इन्हीं के पार्टी के विधायक पर भड़क गए हैं आज नीतीश बाबू। तो क्षितिज जी, इतना गुस्सा दिला दिया है सीएम नीतीश कुमार को वेल में आकर, इतना भयंकर हंगामा कर दिया विपक्ष ने कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के जो है बोल बिगड़ गए, वो भी महिला पर एक विवादित बात कह दी है। स्नेहा जी, आज का चर्चा को मैं एक कविता से शुरू करना चाहूंगा कि हमने रखो तो देखा नहीं पर नूर, ये है खुदा का जमीन पर, एक एहसास है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। जिस बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा ये लोग देते हैं, आज उसी बेटी के, उसी महिला के बारे में सदन में इतनी घिनौनी टिप्पणी, अरे महिला तुम क्या जानती, तुम कुछ जानती हो, ऐसा बात। ये नीतीश सर जी के लिए पहला बार नहीं है, इन्होंने कई बार ऐसे से कई बात करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ आज उनके प्रवक्ता बैठे हुए कि नीतीश जी को महिलाओं से इतना परेशानी क्यों है। वो सदन, और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने 5 के बाद हमने तुम्हें, आप लोगों को बढ़ाया। मैं कहना चाहता हूँ महिला, जितनी भी महिलाएं हैं उनको किसी ने नहीं बढ़ाया है, बल्कि वो अपनी ताकत से, अपनी एबिलिटी से उन्होंने ये हासिल किया है, ना कि किसी ने बढ़ाया है। मैं, हमारी जो बहन है आज, तो वो भी महिला है, और मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश सरकार के इस बयान पर उन्होंने दिल से बताइए, पार्टी से हट के बताइए कि आपको कैसा लगा है। चलिए जवाब ले लेंगे प्रतिभा सिंह जी से। देखिए, हमारे देश में महिलाओं को सर्वोच्च माना जाता है, कहा जाता है, और सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, उसके बाद बार बार ऐसा क्यों हो जाता है कि सीएम नीतीश कुमार इस प्रकार के विवादित बयान दे देते हैं महिला पर? जी स्नेहा जी, निश्चित रूप से महिलाओं को समाज में सबसे ऊंचा स्थान मिला और इसको प्रूफ किया आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने। हमारे भाई का जो सवाल था, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी और बहुत ही शालीनता से। और आपने कहा पार्टी से अलग हटकर, तो बिल्कुल, महिला होने के नाते मैं उन पहलुओं को भी टच करूंगी जो एक महिला को लगता है महिला को में होना चाहिए। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने ये कहा, इन्होंने अरे पर जोर दिया, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, अरे भाई सुन लो, अरे भाई ये सुनो, ये हमारी बिहारी बोलचाल की भाषा है, इसे हम बोलचाल में बोलते हैं।
इसको और कहीं अन्यथा कुछ और इसका मतलब निकालने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि महिला हो कुछ जानती हो, और ये सब काम हमने किया। रेखा देवी जी, अगर ये आरक्षण लागू नहीं होता, आज रेखा देवी विधायक बन करके मसौढ़ी से नहीं आती। महिलाओं को अगर 2005 के बाद आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण नहीं दिए होते, तो बिहार की महिलाओं की जो स्थिति थी 90 के दशक में, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिला मुखिया, सरपंच, पार्षद और पार्षद प्रमुख बनकर के अगर बैठी हैं, तो वो आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने ठीक कहा कि कुछ जानती हो, अरे सब हम ही किए हैं ना, तो उन्होंने सच में किया है। आज अगर प्रतिभा बोल रही है, ये मुंह में आवाज किसने दी स्नेहा जी? ये मुंह में आवाज देने का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। लेकिन महिला पर बल देकर बोलना एक प्रकार से क्या इंगित कर रहा है प्रतिभा जी? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि महिला हो कुछ जानती नहीं हो, तो क्या ये कहने का अर्थ था कि महिला है इस कारण से कुछ नहीं जानती, महिलाएं कुछ नहीं जानती? माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में हो रहा होता है, तब कोई महिला उदंडता पूर्वक महिला विरोधी हाय हाय का नारा लगा रही हो सदन में, क्या यह उचित है? क्या यह मान्य है? तो आप अनुचित काम करते रहे। अगर नेता ने कहा कि कुछ नहीं जानते हो, मतलब यह कानून नहीं कहता है कि अगर मुख्यमंत्री का अभिभाषण हो रहा है और बीच में एक एक विधायक करके टीका टिप्पणी करे, मतलब आपको सुनना नहीं है, आपको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको टीका टिप्पणी करने से है, मतलब आपको दोषारोपण करने से है, या तो साफ स्पष्ट होता है ना। अगर वो महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, तो महिलाओं को यह भी बताने का काम अगर नेता ने किया कि आप यहां गलत कर रही हो, आप जानकारी लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, मैं महिला होने के नाते बता रही हूं इस बात को, दल से अलग हट करके। अगर अभिभावक के रूप में कोई हमें ताकत देता है, तो वो हमारे हमारी गलतियों को भी गिना सकता है, हमारी गलतियों को उजागर कर सकता है कि यहाँ आप गलत हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या हम घर में गलती करते तो हमारे पिता नहीं बोलते हैं कि भाई सुन लो, जान लो, तुम्हें गलत बोल रही हो, तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है? ये कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी अभद्रता हो गई? इसको तो नहा की तुल दिया जा रहा है, एक वैसे नेता पर कटाक्ष किया जा रहा है, एक वैसे नेता पर दोषारोपण किया जा रहा है जिस नेता ने बिहार की बेटियों को आजादी दी, उड़ने के लिए पंख दिए आरक्षण दे करके। 35% का आरक्षण अगर वो महिलाओं को नहीं दिए होते, तो आज पुलिस बल में हमारी बेटियां पुलिस वर्दी में नहीं दिखती। आज बेटियों का फ्री एजुकेशन नहीं किए होते, तो आज बेटियां जहां बिहार से निकल करके जा रही है, हर सेवा में वो नहीं गई होती। तो जो नेता बेटियों के लिए इतना काम करे, उस नेता के एक वक्तव्य को खींच करके अनाप शनाप बोलना, यह गलत है। मैं इसकी पक्षधर नहीं हूं, ठीक है? और नेता ने कोई गलत बात नहीं कही कि आरक्षण भी नीतीश कुमार के बदौलत ही जो है महिलाओं को मिला है, और एक अभिभावक की संज्ञा जो है प्रतिभा जी ने दी है। जवाब ले लेंगे क्षितिज मिश्रा जी आपसे। देखिए, सत्र जब भी शुरू होता है, बार बार ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि विपक्ष मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय वेल पे आकर हंगामा करना ज्यादा प्रेफर करती है, ऐसा क्यों होता है बार बार? कौन सा विपक्ष मुद्दा पर चर्चा नहीं कर रहा? सब तो मुद्दा ही पे चर्चा कर रहे थे, वेल में जाकर के क्या वो अपना घर का बात बता रहे थे? मुद्दा ही पे ना बात कर रहे थे। अब माननीय नीतीश सरकार जी इतनी ताकत ना दिखा पाए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ लिया। मुख्यमंत्री जब बोलते हैं, जब संबोधन देते हैं, उस वक्त विपक्ष को एक एक बात सुनना भी तो एक नियम होता है ना, तो उस नियम का उल्लंघन बार बार क्यों करती नजर आती है विपक्ष? नीतीश सरकार जी घुमा घुमा करके क्यों कह रहे थे? वो सीधे सीधे क्यों नहीं कह दे रहे थे कि नहीं, हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाया? हम वो सीधे सीधे अगर कहते तो विपक्ष सुनता कि नहीं, हम नहीं दिला पाए, हम कमजोर पड़ गए वहां पर, और हमको जो झुंझुना दिला गया उसको लेकर के। एक मिनट, आपके समय में मैं बोलता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, चुप हो जाइए। बारी बारी से बोलिए क्षितिज जी, मैं आपको बारी बारी से बोलिए। प्रतिभा जी आ रहे हैं आपके पास, क्षितिज जी की बात पूरी कर लीजिए। आप ही बोलिए क्षितिज जी, बात पूरी कर लीजिए फिर प्रतिभा जी। तो अगर कोई महिला इस पर आपत्ति जनाती है, इस बात को रोकते हुए, उसका अधिकार है, और अगर अधिकार ना हो तो उस पर कानूनी उस पर कार्यवाही कीजिए। लेकिन
इसका मतलब क्या कि नीतीश सरकार वहीं से महिला पूरे महिला के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी आपने सदन में सुना था ना उन्होंने किस तरह की बात कर रही, उस बात को तो मुझे दोहराने का भी इच्छा नहीं कर रहा। मैं नहीं दोहरा सकता उस चीज को। राजद के साथ गठबंधन में थी नीतीश सरकार, नीतीश जो थे राजद के साथ गठबंधन में थे, राजद ने इसका समर्थन नहीं किया, महिला पर विवादित बयान दिया था, तो तेजस्वी यादव उस पर डिफेंड करते नजर आए थे और आज जो है विपक्ष उसे घेर रही है। स्नेहा जी नीतीश सरकार ने पिछले बार भी माफी मांगा था और हम चाहते हैं कि इस बार भी उन्हें माफी मांग लेना चाहिए था, लेकिन और इन्होंने कहा कि आरक्षण के दम पर महिला जा रही है, मतलब इनको भी ये लगता है कि महिला अपने दम पर कहीं भी नहीं जा सकती है, ना पुलिस में आने में, ना राजनीति में, ना कहीं भी, वो उसके लिए केवल आरक्षण ही चाहिए तभी महिला आगे बढ़ सकती है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला यहाँ बैठ करके ये कह रही है कि महिला को किसी चीज की सहारे की आवश्यकता है, नहीं तो वो नहीं उठ सकती है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं प्रतिभा जी से। तो आप बताइए क्षितिज जी, आप बताइए कि 2005 से पहले कितनी महिला मुखिया थी, कितनी महिला सरपंच थी, कितनी महिला पार्षद थी, कितनी महिला मुख्य पार्षद थी, कितनी महिला प्रमुख थी, जरा आप बता दीजिए हमें। अरे भाई, बिना आरक्षण के महिलाएं नहीं जा सकती, ये बात मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि आरक्षण के वजह से ही महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि चुन करके आई हैं, आरक्षण की वजह से, समझ गए। अरे ये सच्चाई है, इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। अगर क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप साथ में होते हैं 17 महीनों का, खूब क्रेडिट लेते हैं, लेकिन बात कुछ और हो तो उसको खूब गोल गोल घुमाते हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री का अभिभाषण हो रहा होता है सदन में तो क्या विपक्ष के किसी एक विधायक को बीच में कुछ बोलने का है? राइट, हमने किया क्रेडिट लेंगे 15 वर्षों से, क्यों नहीं किया था? 5 लाख नौकरी बनता, 15 वर्षों से उनकी सरकार है, 5 लाख नौकरी क्यों नहीं दिया युवाओं का? हमारे साथ में तो युवाओं को रोजगार दिए, तो हम लोग क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? क्षितिज जी आप मुझे बताइए, वो आपके पार्टी की विधायिका है ना रेखा जी, तो क्या रेखा जी को इतनी जानकारी नहीं है? वो माननीय हो गई है, क्या उनको इतनी जानकारी नहीं है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण हो रहा है तो बीच में एक एक विधायक को कुछ नहीं बोलना है, हर विधायक को अलग अलग टाइम दिया जाता है, निर्धारित टाइम है, जब अभिभाषण हो रहा है तो हाय है जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर दी, बहुत आरक्षण की उन्हें पड़ी है। और क्या आपको इतनी जानकारी नहीं है क्या कि अगर सदन में कोई वैसा कार्य करता है तो सदन का स्पीकर भी वहां पे होता है, उनको रोकना चाहिए था। क्षितिज जी बताइए, 2005 से पहले लालू यादव जी ने क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दिया था बिहार में? बिहार में 15 वर्षों तक उनकी सरकार रही, उन्होंने महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिया? उनके शासन काल में बिहार में महिलाएं क्यों नहीं मुखिया सरपंच बन रही थी? भाई हमने ताकत दी, मुंह में आवाज दी, हम ही पर भौंको। अरे भाई, जो सत्य है ना, कायदे की बात करिए, नियमानुकूल बात करिए। आपने फिर एक बात कहा इन्होंने भौंको, फिर इन्होंने कहा भौंको, इनको समझाइए इस तरह की बात ना करे, इन्होंने कहा हम ही पे भौंको। देखिए क्षितिज जी, ऐसे देखिए सीएम नीतीश कुमार जो है ये दावा कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की गई है, और जाति आधारित जनगणना को लेकर ही आज विपक्ष जो है वेल में हंगामा कर रहा था। क्या मांगे आखिर जो विपक्ष है वो कर रहा है? देखिए, जाति आधारित जनगणना हम लोग को 9वीं अनुसूचित में जोड़ने का बात किया जा रहा है, और ये हम लोगों ने लोगों से हम वादा किया था कि जातिगत जनगणना करवाएंगे और हमने करवाया था, यही मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं और वो उसको 9वीं अनुसूचित में डाले और फिर ये पूरे देश में ये लागू हो। माननीय नीतीश सरकार जी एक बैसाखी है एनडीए सरकार का, तो इस बात को रखे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए, नहीं तो बैसाखी से हटने का भी उनके पास वो है, हट जाए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग आज से तो नहीं है, बहुत पुराना है। प्रतिभा जी ने भी आपसे ये सवाल किया कि 2005 से पहले अगर आरक्षण की बात की जाए तो कितने महिलाओं को आरक्षित किया गया था? मुन्नी रजक जी गई हैं और इसके बाद फिर हम लोग पहले से ही आरक्षण का मांग कर लेते, लेकिन यही विपक्ष था जो सदन में। याद नहीं है क्या मुन्नी रजक जी कब गई है सदन में, आपको याद नहीं है क्या? मुन्नी रजक जी अभी गई है। मैंने कहा कि महिलाओं को, आपने कहा कि हमने केवल सम्मान दिया है, एक सेकेंड, आपने कहा कि महिलाओं को केवल नीतीश सरकार ने सम्मान दिया है,
क्या लालू यादव जी ने उनको नहीं भेजा एमएलसी में? जी ने राबड़ी जी को आरक्षण दिया, लालू यादव जी ने मीठा भारती को आरक्षण दिया, लालू यादव जी ने रोहिणीआचार्य को आरक्षण दिया, उनके आरक्षण का दायरा यही है महिलाओं के लिए। कड़वा सच होता है जी, और आप इसको स्वीकार कीजिए। मुन्नी जी, मुन्नी रजक जी और बाकियों को भुला जाएंगे। पहले तो आप इस बात पे माफी मांगे कि भौंकना शब्द का आपने प्रयोग किया। आप किसको बोल रही हैं? माननीय विधायक मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बीच में बोलेगी तो हम भी कुछ भी बोलेंगे। अगर आपकी विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के बीच में नियम तोड़ेगी तो हम भी महिला के बारे में भौंकना शब्द का प्रयोग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो क्या मुख्यमंत्री के अभिभाषण के बीच में कोई विधायक आया है कनाडा लगाएगी? तो आप बोलेंगे जी, सही बोला आपने। सुन लीजिए क्षितिज जी, मेरी बात सुन लीजिए। भाषा का प्रयोग ना करें इस डिबेट में, कम से कम इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों से ही गुजारिश है, लेकिन किसी महिलाओं को वो भी जो कि एक आधिकारिक पद पर है, जिन जो कि एक विधायक है, उनके विषय में भौंकना शब्द का ये प्रयोग कर रही है। ठीक है, प्रतिभा जी से आपका जवाब ले लेंगे। इसके लिए माफी मांगिए। देखिए विपक्ष कह रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, इस मांग को लेकर क्या राय है स्नेहा जी? यही बात है ना कि ये लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनते नहीं है कुछ भी, और नियम कानून से इन्हें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, 9वीं अनुसूची में डालने की बात हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बार बार किया आग्रह, लेकिन वो मामला न्यायालय में है। अब आप बताइए, न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी नेता, कोई भी क्या इस पर कोई अपना निर्णय दे सकता है? जब मामला न्यायालय के प्रक्रियाधीन हो तो कोई भी सरकार क्या इस पर कुछ निर्णय दे सकती है? यही बात हमारे नेता समझाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको हंगामा करना है। मुख्यमंत्री के कार्रवाई के अभिभाषण के बीच में हाय हाय का नारा लगाना है, ये तो भाई ये लोग शर्मसार कर रहे हैं सदन को। इस तरह से कोई काम करता है क्या? सदन की मर्यादा को ये लोग खुद तार तार कर रहे हैं और बात बोलते हैं नेता को। अरे भाई, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जैसा नेता ना पहले कभी बिहार में हुआ है और ना इनके बाद कोई होगा। लिख करके रख लीजिए क्षितिज मिश्रा जी, अगर आज आपकी बेटी बहन बहू पत्नी घर से बेखौफ बाहर निकल रही है ना, बिना डर का निडर होके निर्भीक होके, तो उसके वजह आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। अगर आज गांव की बेटियां साइकिल चला के स्कूल जाती हुई दिखती है ना, वो बिहार का विकास और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के सोच को दिखलाता है। अगर आज स्नेहा जी पत्रकारिता कर रही है निर्भीकता पूर्वक, वो हमारे नेता का विश्वास और उनका किया हुआ काम दिखाता है। विपक्ष लाख बोल रहे क्षितिज जी, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम कर दिया है ना, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेंगे क्षितिज मिश्रा जी से। देखिए, मामला तो उच्च न्यायालय में है, न्यायालय का इंतजार करना चाहिए, तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? जी बिल्कुल, और इन्होंने बातों को कैसे घुमाया। स्नेहा जी किस नीतीश सरकार की अनुकंपा पे आई है ये तो ये खुद बताएंगे, इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मेरी माँ बहनें पहले भी सुरक्षित थी और हमने ताकतवर बनाया था। सुनिए, मैंने ताकतवर बनाया है अपनी माँ बहनों को, और हमारे पूरे भारत की माँ बहनें जो है ना वो ताकतवर हैं, जो कि खुद अपना वो लड़ाई लड़ सकती है। किसी के अनुकंपा पर या किसी के कहने पर उनको कोई वो नहीं मिला है, सुरक्षा नहीं मिला है माननीय मोदी। अगर ऐसा है आप बोल लीजिए आप बीच में। और आपने कहा कि सदन में जब माननीय, एक छोटी सी बात है, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे होंगे तो किसी को टीका टिप्पणी बीच में नहीं करना, चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसी सदन में सदन के अध्यक्ष तो हैं, उनको रोकना चाहिए। उनको ना बोला गया है कि माननीय नीतीश सरकार जी उठेंगे और किसी पे कुछ भी कह देंगे। मैं फिर से दूसरी बात मैं बताना चाहूं, जब जनसंख्या उत्तर बिल पर बात हो रही थी, उस वक्त माननीय नीतीश सरकार ने क्या कहा था सदन में? आप क्या उस पर भी अपना वो कहती, तो वो भी उन्होंने सही कहा था, और जिस पर की बाद में उन्होंने माफी भी मांगा था। और अगर सही कहा था तो फिर माफी काहे मांगेंगे? वो नीतीश सरकार जी बार बार सदन में अपना आपा खो देते हैं, उनको अपने आपा पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। आप लोगों का मीटिंग होता है, बताइएगा कि अपनी आपे पर जरा सा निरंतर कीजिए और सदन की
कौन गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है ये पूरा बिहार जानता है और पूरा देश जानता है। चलिए क्षितिज जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपा तो रखना ही चाहिए, प्रतिभा जी इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। स्नेहा जी, हर चीज की एक सीमा होती है ना, आप बार बार गलती दोहराएंगे और कोई इस तरह से लगातार बिहार के लिए काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन महिला को टारगेट करके इस तरह से बोल रहा हो, आप बार बार पेशेंस लूज करेंगे, कोई भी आदमी कोई भी इंसान गुस्सा होगा। और मुख्यमंत्री जी खुद सिस्टम में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और उन्हें अनुशासन पसंद है और ये होना भी चाहिए। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे राज्य क्या, आप अपना घर भी तरीके से नहीं चला सकते हैं। जी स्नेहा जी, ठीक है, जाति आधारित जनगणना को लेकर आखिरी सवाल होगा, जो अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, नौवीं अनुसूची में बार बार विपक्ष जो है जवाब की मांग कर रहा है। प्रतिभा जी इस पर एक छोटा सा जवाब, न्यायालय में मामला है ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या पहल? स्नेहा जी, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, जिसे पूरा देश जानता है, कि उन्होंने बार बार मांग की कि इसको आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने आदरणीय मोदी जी को भी कहा है, हमारी मांग है, हमारी सरकार की मांग है, ऐसा नहीं कि हमारा अलायंस है तो हमारी मांग खत्म हो गई, हमारी मांग है। लेकिन चूंकि अब मामला न्यायिक प्रक्रिया अधीन है, न्यायालय में है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय का जैसा जो निर्णय होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा, तो हम लोग न्यायालय पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और ना सरकार इस पर कुछ कर सकती है। ठीक है, मतलब दावा तो किया जा रहा है कि सरकार इस पर पहल कर चुकी है और इस पर काम जारी है। बिल्कुल ठीक है, तो आज भी हमारी पहल है और आगे भी हमारी पहल, हमारा प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, प्रयास जारी रहेगा ये सरकार कह रही है, लेकिन क्षितिज जी विपक्ष क्यों सरकार पर विश्वास नहीं जता पा रही है? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। आरक्षण आरक्षण अभी ये जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा वाला में जो मिल के लिए जो नीतीश सरकार जी बात कर रहे थे, इनसे पूछिए कि आगे आगे भी बात ये रखेंगे कि या इतना ही स्पेशल पैकेज से ये खुश हो जाएंगे, ये जो अभी जो झुनझुना धरा गया है क्या इसी से ये खुश हो जाएंगे या विशेष राज्य की दर्जा का मांग करेंगे? दूसरी बात, इस पूरे डिबेट में इन्होंने बस इतना सा, एक महिला होते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, यही बताया कि उन्होंने जो सदन में महिला को कहा वो सत्य था, वो सही था, महिला को जो उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत पढ़ी लिखी हैं और इनको किसी से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रतिभा जी जवाब देना चाह रही, छोटा सा जवाब। स्नेहा जी, इनका कौन कौन सा सवाल था? विशेष राज्य के दर्जे का सवाल। मैं भाई क्षितिज को बता देना चाहता हूं कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आपने शायद पूर्ववर्ती सरकारों को नहीं देखा, जब अलायंस में आरजेडी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और ये जो क्राइटेरिया है ना विशेष राज्य के दर्जे के लिए, सारे दरवाजे आपकी सरकार ने बंद कर दिए थे केंद्र के साथ मिलकर के। तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो मापदंड होना चाहिए उस क्राइटेरिया को बिहार फुलफिल नहीं करता है, इसलिए विशेष राज्य के दर्जे हम मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भी मजबूरी है कि वो दे तो कैसे दे, क्योंकि हम उस उन मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरते हैं। तो स्पेशल पैकेज, हमारी सरकार ने बार बार कहा कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, कोई टेक्निकल इश्यू है, तो आप विशेष पैकेज ही कम से कम बिहार जैसे गरीब राज्य को दीजिए। तो स्पेशल पैकेज आपको मिला और मिलता रहा है, और बिहार की चिंता आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी करते हैं, कर रहे हैं, क्योंकि जिस बदहाल राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो है वो तो जनता की भी है ना, जनता भी चाह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और कई पुरानी सरकार थी ना राज्य में, इनकी सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, सारे रास्ते तो इन्होंने खुद बंद किए। और जब 70 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और जब ये यहाँ बैठ करके मलाई खा रहे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं मांग रखी थी? मेरा सवाल तो क्षितिज जी से है, पूछिए, जवाब दे दीजिए, आप पूछिए कि जब आप सत्ता में थे तो क्यों नहीं मांग कर रहे थे? मांग तो हमारे नेता कर रहा। इन्होंने विशेष पैकेज पर बात किया, 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक लाख करोड़ रुपया विशेष राज्य सॉरी का पैकेज देने करके देने के का जनता से बात किया था, और इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि बिहार का भाग्य बदल जाएगा। 8 साल हो गया है, भाग्य कितना बदला है ये तो हमें, आपको भी पता है, हमको भी पता है। फिर पैती में जो पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है वो 2014 से हो रही है,
दूसरी बात, अठारह अगस्त 2015 में माननीय अमित शाह जी ने पूर्णिया में कहा था कि एयरपोर्ट बन गया है और बहुत सस्ते में लोग फ्लाई कर रहे हैं, लोग अन्य अन्य देशों में जा रहा है। आज तक वो एयरपोर्ट नहीं बना है, ये बात बता दीजिएगा माननीय अमित शाह जी को। इसके बाद फिर दरभंगा एम्स में जो कहा गया था, दरभंगा एम्स की बात किया गया था, दरभंगा एम्स बना कि नहीं बना इस बात को आप लोग सबको बेहतर से जानते हैं। तो सरकार कितनी स्पेशल पैकेज दे रही है और कितना उस पर काम हो रहा है, कितना बिहार का विकास हो रहा है, ये हम लोग सब जानते हैं, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। ठीक है, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और जाति आधारित जनगणना को लेकर कई सियासी उलट पलट जो है देखने को मिल रही है। बिहार में एक प्रकार से हंगामा कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। वहीं पक्ष और विपक्ष के तमाम दावे हैं, ये दावे कितने सफल हैं और कितने विफल हैं ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, बिहार में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है, जिसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी उन पर हुआ है। उसी से दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था, जिस पर विपक्ष ने वेल में आकर काफी हंगामा किया और उसी से गुस्साए सीएम नीतीश कुमार ने अपने बोल बिगाड़ दिए और इस पर महिला पर एक प्रकार से विवादित बोल कह दिया, जिससे सियासत जो है गर्मा गई है। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, देखते रहे रफ्तार मीडिया। नमस्कार।